आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ वैकेंसी रिलेटेड अपडेट के साथ बहुत ही महीने हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में वैकेंसी नहीं आई हुई है और जो भी भर्तियां निकली हैं, जो भी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई हुई है उसकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुआ है, उसकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। पूरी जानकारी इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि युवाओं के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ होने वाला है, क्या खिलवाड़ हो रहा है, या हजारों पदों की भर्तियां अभी भी रुकी हुई है, या भी बहुत सारी वैकेंसियां कब आएगी या कब तक आ सकती है, ठीक है, या फिर सभी भर्तियां एक साथ आने वाली है। जो भी परीक्षाएं अभी हाल ही में होने वाली थी वो भी भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, क्या कारण है तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मैं हूँ रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर फिर से दिखाई दे रहा होगा कि जो भी युवाएं बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली थी वो भी अभी रुकी हुई है, ठीक है, और जो भर्तियां क्या एक साथ आने वाली है तो पूरी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हजारों पदों पर जो भर्ती प्रक्रियाएं और परीक्षाएं अटकी हुई है, यह राज्य सरकार की उलझन भी बढ़ रही है, यानी कि राज्य सरकार की जो दिनों दिन यानी कि उसकी उलझन भी बढ़ती जा रही है, या फिर विधानसभा विशेष सत्र पर टिकी है नजर, या फिर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी लगी हुई है याचिकाएं, या फिर जैसे कि स्क्रीन पर और भी दिखाई दे रहा होगा कि हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश से अटकी हुई है, ठीक है। जैसे कि आप भी स्क्रीन पर और देख सकते हैं कि आरक्षण रद्द होने से प्रभावित होने वाली भर्ती परीक्षाएं, या फिर इन पदों पर नोटिफिकेशन भी रुके हुए हैं। जैसे कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रीन पर और दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,400 पदों पर शिक्षक भर्तियां हैं, सहायक विकास विस्तार अधिकारी पर 250 पद हैं, साथ ही हॉस्टल वार्डन के 400 पद हैं, और लेबर इंस्पेक्टर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर या अमीन पटवारी की या सिंचाई विभाग से बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आने वाली थी। ये कब तक आएगी तो पूरी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारों पदों पर जो भर्तियां हैं पूरी अटकी हुई है, क्या प्रक्रियाएं हैं, तो देखिए यहाँ पर राज्य सरकार की उलझन भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गर्म है, राज्य सरकार के आग्रह पर आगामी 1-2 दिसंबर को आदिवासी आरक्षण विधानसभा को विशेष सत्र आहूत किया गया है, मगर राज्य में 8 हफ्तों से भी सभी भर्ती प्रक्रियाएं और परीक्षा रोक दी गई है, ठीक है। साथ ही आप देख सकते हैं कई के परिणाम रोके जा चुके हैं, इसके लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं। यह सियासी पर चल रही है कि भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर युवाओं के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है या आरोप में लगा रहे हैं, ठीक है। और आप जैसे कि और देख सकते हैं कि आरक्षण रद्द होने से सबसे पहले ज्यादा युवा वर्ग निराश है, ठीक है, यानी कि आरक्षण यहाँ पर रद्द होने से सबसे ज्यादा युवक यहाँ पर निराश हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस मुद्दे पर भी यहाँ पर मंत्री जी मोहम्मद अकबर कोई यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं कि निधि विकास सचिव संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे विशेष सत्र के विधेयक लाने की घोषणा कर चुके हैं, साथ ही आरक्षण के मसले पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार ने पीएससी परिणाम अन्य सेवा भर्ती तकनीक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। और बहुत सारी जो एग्जाम में जो भर्तियां होने वाली थी वो भी अभी नहीं आ रही है, ठीक है। और साथ ही जो परीक्षाएं होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं आ गई थी जो इसका एग्जाम होने वाला था वो भी स्थगित कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर एसआई भर्ती की परीक्षा मान लीजिएगा वो भी अभी स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। इसी परीक्षा में यही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला था, जैसे कि ये पेपर कटिंग के हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और जैसे कि इसके बारे में कुछ और नोटिफिकेशन मिलता है तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।